गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ये भी पुराना ही पेपर है, HPTGT का पेपर है, ठीक है। और CDP सब में एक जैसी होती है, तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? तो ये किया है जॉन डीवी ने, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर आएगा डी। स्किनर किसकी बात करता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये दोनों की बात करता है, ठीक है। और चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, ये भी याद रखना। और इसी ने ही क्या प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसका भी कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसी ने दिया, ठीक है। और एरिक्सन चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की किताब रखी है, 8 स्टेज बताई हैं, कर्मकांड, कर्मकांडवाद और कर्मकांड था, 3R का कॉन्सेप्ट भी इसी का ही है, एरिक्सन का। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि गतिविधि को जागृत बनाए रखने के लिए या निमित्त बनाए रखने के लिए, मतलब कोई आप गतिविधि कर रहे हो उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी ना, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है 140 से ज़्यादा बुद्धि लब्धि किसमें होती है बताओ, तो ये प्रतिभाशाली में होगी ना। और बुद्धि लब्धि की शुरुआत स्टर्न ने करी थी 1905 में, ठीक है, 1912 में, सॉरी कब आई थी, 1912 में, इसकी 1912 में करी थी, ठीक है। और जब इन्होंने क्या दिया था, IQ का फॉर्मूला दिया था, MA/CA। और टर्मन ने क्या कर दिया था, टर्मन ने 1916 में इसमें 100 का गुणा और कर दिया था, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्रतिभाशाली। सामान्य बच्चे का क्या होता है, 90 से लेके 110 तक, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि, देखो किसकी बहु में बहुत बुद्धि है, तो गार्टनर की में, ठीक है, याद रखना। आंसर आएगा डी। इसने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, पहले 7 बताई थी, फिर 8, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से बताओ, तत्परता, अभ्यास, प्रवाह, ये याद रखो। गौण नियम कितने हैं इसके, 5। और इसी का बहुखंड सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ये सब किसके, CABD टेस्ट भी इसका है, ठीक है। और इसने बुद्धि कितने प्रकार की बताइए, 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त को क्या कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि, ये भी याद रखना। स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक दिया, जी कारक दिया था 1904 में, जनरल इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है, जिसे इनकी निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। और बिने के में 1905 में, ये भी याद रखना, बुद्धि पे पहला प्रयोग भी बिने का है। आंसर आएगा इसका क्या, गार्डनर। नेक्स्ट, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है थॉर्नडाइक। कर्तव्यभ्यास के जन्मतोत्त सुजान, वो भी थॉर्नडाइक से रिलेटेड, ठीक है। कोहलर किससे रिलेटेड है, कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान नाम का था जिस पर प्रयोग किया था, और ये गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, 1912 में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और पावलोव 1904 में नोबेल प्राइज मिल चुका है ने, किसके लिए, कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर काम किया था, ये भी याद रखना। और पावलोव किससे रिलेटेड है, एलिसिट बिहेवियर, एमिटेड से कौन याद आना चाहिए आपको, एमिटेड से आना चाहिए स्किनर याद, ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का जो गुणनफल है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है शीर्षाभिमुख, तो देखो विकास 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेफलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफलोकोडल कहते हैं शीर्षाभिमुख, मतलब सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, ये भी याद रखना। और विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट चलता है, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। और विकास कैसी प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कब से शुरू होता है, गर्भ से शुरू होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर आएगा बी। डिस्लेक्सिया किससे रिलेटेड है, डिस्लेक्सिया पठन विकार है। गर्ती विकार कौन सा है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। और एक आता है डिसग्राफिया, जो लिखने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, अस्थि अक्षम, मतलब जिसके हाथ पैर सही ना हो तो उसको लिखने में दिक्कत होगी ना, तो डिसग्राफिया से रिलेटेड संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवों के लक्षण जो विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जीन, क्या कहेंगे, जीन। नेक्स्ट, किंडरगार्टन की बात कौन करता है, ये कहते हैं फ्रोबेल, ठीक है। आंसर आएगा डी, ठीक है। और मोंटेसरी, जैसे LSRW बताया ना मैंने आपको, मोंटेसरी क्या कहते हैं, LSWR, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं मानव विकास का क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगी, शैशवावस्था, तो बाल्यावस्था तो आएगी नहीं, ये काट दो। शैशवावस्था के बाद किशोर आएगी नहीं, ये काट दो। आंसर आएगा बी, ऐसे कर लो। नेक्स्ट, मनोविज्ञान शिक्षा का, मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो ये हो गई है छात्र उन्मुख शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, प्रकृति पोषण विवाद, मतलब ये कह रहा है प्रकृति इंपॉर्टेंट है पोषण, तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड है, कि आनुवंशिकता इंपॉर्टेंट है या पर्यावरण, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक शिक्षक लड़कों की तुलना में, लड़कों को लड़कियों की तुलना में ज़्यादा गणित अच्छा आता है, ऐसा कह रहा है, तो क्या कर रहा है, लिंग पक्षपात कर रहा है, या ऐसे कह दे कि डांस लड़कियाँ ही अच्छा कर सकती हैं, तो ये भी क्या है, लिंग पक्षपात हो जाएगी। नेक्स्ट, अभी कह रहा हूँ NCF 2005 में एक बच्चे को कुछ देखने में या पढ़ने में समस्या हो रही है, तो उसे कैसे स्कूल में भेजोगे, तो इसे भेजोगे समावेशी विद्यालय, ठीक है।
इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी पर तो फोकस करते हैं। एनसीएफ 2005, इससे पहले कब आया था एनसीएफ? 1975, और कब आया था? 2000 में आया था, और 2005 और 1988, ठीक है, 75, 88, 2000, 2005, चौथा एनसीएफ था ये। अच्छा, नई शिक्षा नीति को सबसे पहले किसने लागू किया इस बार? कर्नाटक में, ये भी याद रखना। नई शिक्षा नीति किस पर जोर देती है? 5+3+3+4, ये भी जो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है केवल अधिगम पर प्रभाव सकारात्मक किसका होगा? अधिगम के ऊपर सकारात्मक प्रभाव किसका पड़ेगा? प्रतिस्पर्धा नहीं, अब देखो दबाव नहीं, भय नहीं, तो सार्थक साक्षर, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है अधिगम का कौन सा क्षेत्र नहीं है? वो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पढ़ा होगा, आध्यात्मिक नहीं पढ़ा होगा, तो आंसर आएगा डी। अच्छा, संज्ञानात्मक ये तो, भावात्मक, क्रियात्मक ये तो किस में भी आते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में आई थी, 2001 में रिवाइज हुई है, ठीक है, जिसमें आता है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और फिर क्या है, अप्लाई एनालिसिस सिंथेसिस एवेल्यूएशन, इस तरीके से आते हैं ना 6 स्टेप, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, बच्चों के डेस्क के लिए समस्या समाधान आवश्यक, किसके लिए आवश्यक है? तो रचनात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा कैसा है? अभिप्रेरणा कैसी होती है बताओ? मनोवैज्ञानिक होती है। आप अभिप्रेरित हो तो शरीर में कोई अंतर आएगा नहीं, समाज में आएगा नहीं, संस्कृति में नहीं आएगा, मनोवैज्ञानिक, आपकी दिमाग अच्छा चलेगा, आप प्रेरित रहोगे, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, जर्मनी के लिपजिंग में बुंट ने 1879 ये लैब खोली थी, तो पता ही, वॉटसन व्यवहारवादी है, जो 1913 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवादी है, ये भी याद रखना, इन्होंने अल्बर्ट नाम के बच्चे प्रयोग किया था, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब बुद्धि परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो रोडसा का शाही डब्बा परीक्षण, ये व्यक्तित्व का है, क्या व्यक्तित्व, मगर एक चीज़ याद रखना, जैसे बिने और बैसलर बिने और रेवन, ये तीनों, रावण का भी क्या है, अच्छा रावण वाला जो है ना, रावण याद कर रखा मैंने इसे, तो ये ऐसे याद रखना कि बुद्धि का तो है ही है और ये अशाब्दिक है, अच्छा ये छोड़ दो, अशाब्दिक है अशाब्दिक है, थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है, आंसर आएगा डी, डी याद रखो बस। नेक्स्ट, ये कह रहे विकासात्मक विकार कौन सा नहीं है? विकासात्मक विकार कौन सा नहीं है? तो देखो मस्तिष्क पक्षाघात, ये और ये तीनों है, अभिघात के बाद तनाव, मतलब आपको टेंशन हो रही है, तो ये कोई विकासात्मक विकार थोड़ी ना होगा। अब ये कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित का मतलब क्या है? बच्चों के अनुभवों और उनकी अभिव्यक्ति प्राथमिकता, तो आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है अधिगम को कौन प्रभावित करेगा? तो ऐसे केस में तो सीधे सरकारी आंसर लगा के आओ। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 18 वर्ष तक थोड़ी ना जाएगी, 12 वर्ष तक जा सकती है, 24 तक भी जाएगी, 6 तक भी जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था पूछ लेता तो 2 से 6 लगा के आते, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह बाल मनोविज्ञान में किसका स्थान केंद्रीय, मतलब केंद्र में कौन रहता है? तो बच्चे ही तो रहता है, आंसर आएगा ए। ये कहता है मानव व्यक्तित्व तो किसका परिणाम है? तो कल भी मैंने बताया था, अनुवंशिकता और पर्यावरण का। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, ये आप लोग बताना। चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, इस पर किसने प्रयोग किया, ये भी आप बताना। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, इसी के साथ अपना ध्यान रखना, कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।